देखकर ही मुंह में पानी आ गया ना। तो चलिए आज हम बनाते हैं दाल आलू प्याज की खस्ता वाला कचौरी, जो खाने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। इसे बनाने के लिए 2 कप हम मैदा लेंगे, 2 बड़े चम्मच घी और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद हाथ की मदद से कुछ इस तरह से हमें रब करना है ताकि जो घी है मैदे को अच्छे से लग जाए। इसी के कारण हमारी जो कचौड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनती है। ये अच्छे से लग चुका है तो इसका एक सॉफ्ट आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ठंडा पानी लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा करते हुए ऐड करेंगे और ये आटा गूंदने के लिए मुझे तकरीबन 3/4 कप पानी लगा है। एक सॉफ्ट वाला आटा गूंद कर इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ खड़े मसाले हैं, इसे दरदरा पीस लेना है। यहाँ पर मेरे पास है जीरा, सौंफ, साथ ही साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च और इसी के साथ काली मिर्च और इसे दरदरा पीस लेंगे। और इसी के साथ अब यहाँ पर मेरे पास है मूंग की दाल, जिसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था और इसे भी हमें दरदरा पीस लेना है। पीसने के बाद ये सारी चीज़ों का हम मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में लेंगे ऑयल, इसी के साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, साथ ही ये जो हमने मसाला पीसा था इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे अदरक, हरी मिर्च, ये टोटली ऑप्शनल है और इसी के साथ डालेंगे 2 चम्मच जितना बेसन ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े। और अब यहाँ पर बेसन को अच्छे से पका लेंगे और इसी के साथ हमने जो पीठी बनाई थी इसे भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इसे लो फ्लेम पर नमक डालकर तब तक पकाना है जब तक ये मसाला पूरा ड्राई नहीं हो जाता। इसके बाद ही हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। अब यहाँ पर सारे मसाले डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 प्याज और इसे भी अच्छे से भून लेंगे और इसी के साथ यहाँ पर डालेंगे आलू। यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर कचौरी के अंदर की फिलिंग अच्छे से रेडी है तो इसे एक थाली में फैलाकर सबसे पहले तो ठंडा कर लेते हैं और इसके बाद इसके छोटे छोटे इस तरह से हमें बॉल्स बना लेने हैं। अब यहाँ पर ये सारे बॉल्स बन गए हैं तो इसे साइड में रखते हैं। अब आटा देखते हैं, हमारा आटा भी आधे घंटे के लिए अच्छे से रेस्ट हो गया तो इसे भी हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी इस तरह से हमें छोटी छोटी लोइयां बनानी है। ये जो मसाले की बॉल्स हमने बनाए थे इससे लोई हमें साइज में थोड़ी सी बड़ी रखनी है। अब यहाँ पर इसे बीच में ये मसाला रखेंगी और लोई को इस तरह से ऊपर की तरफ लाते हुए हम इसे प्रेस कर देंगे। अब एंड को हम इस तरह से बंद करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाला डो है इसे रिमूव कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारी कचौड़ियाँ बनानी है। डो के अंदर ये जो फिलिंग है इसे रखेंगे ऊपर की तरफ लाकर, एंड को सिक्योर करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पर हथेली की मदद से हल्के हाथों से हमें इसे प्रेस करना है ताकि ये जो मसाला है अंदर तक अच्छे से फैल जाए। अब यहाँ पर हमने सारी कचौड़ियों को अच्छे से फील कर लिया है तो सबसे पहले फ्राई करने के लिए थोड़ा सा डो हम डालेंगे। अगर ये तुरंत ऊपर नहीं आता, इस तरह से बैठ जाता है और बबल्स आते हैं, इसका मतलब है हमारा ऑयल परफेक्ट है ये कचौड़ी फ्राई करने के लिए। कचौड़ी फ्राई करने के लिए हमें गैस का फ्लेम लो पर रखना है और कचौड़ी को एक एक करते हुए ऐड करेंगे और जब ये ऊपर आ जाए तब आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। कचौड़ी को कभी भी गरम तेल में नहीं फ्राई किया जाता, इसे आराम से इसी तरह से फ्राई किया जाता है। गैस का फ्लेम तब तक हमें लो पर रखना है जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती। अब आप गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जब ये ऊपर आ जाए इसे दोनों साइड से टर्न करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसका एक्सेस ऑयल रिमूव करके इसे सर्व करेंगे। अब यहाँ पर रेडी है हमारी ये दाल आलू प्याज की कचौरी। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है और साथ ही खस्ता भी बनती है। इसे सर्व करेंगे हम चटनी के साथ। आप भी इसे घर पर ज़रूर बना के देखना, कैसी बने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।